अच्छा इफ़ टाइम अभी इफ़ को ऑन कर रहे हैं तो ये इफ़ तरीके का आधा नंबर दे रहा है, ये शार्ट हुआ हुआ है। दोबारा एक दफ़ा ऑफ करके ऑन करो, ये शार्ट हुआ हुआ है मेन बोर्ड, दोबारा ऑन कर दो, ये दोबारा ऑन किया, फिर ये दे रहे हैं ये शार्ट हुआ हुआ है मेन बोर्ड जो है इसका शार्ट हुआ हुआ है। इसका यहाँ भी ये जला हुआ है, ये कैपेसिटर अभी हम चेंज कर रहे हैं, ये दूसरे बोर्ड के अंदर से हमने ये कैपेसिटर निकाला है। इसमें मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, ये जूम कर नहीं रहा बहुत छोटा, ये कैपेसिटर है इसको अभी हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद लगवाने के बाद आपको चेक कर देंगे। ये लगाओ, अभी ये कार इंडिकेटर जो हैं वो भी हमने रिपेयरिंग के लिए रखे हुए हैं, बगैर मैं आपको कारों की दिखाऊंगा। ये अभी सारा मैं आपको दिखाऊंगा कि पीसीबी किस तरीके से वर्किंग करती है, ये इसके ऑन बटन है, ये इसका ट्रांसफार्मर है और लोड सेल भी लगा के इसमें अभी चेक करवाऊँगा। तो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म स्केल है, तो ये भी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं, ये रिपेयर हो रहे हैं और ये सारे रिपेयर हो चुके हैं। अच्छा इसके ऊपर अगर हम वजन डालते हैं तो अब ये प्रॉपर वर्किंग करना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये इसका जो एक टर्मिनल है ये वाला, इसमें जब वजन आता है तो जब तो ठीक बताता है, लेकिन जब वजन नहीं आता तो ये हल्का सा जो है कुछ ना कुछ ऊपर आ जाता है। लेकिन ये जो जंपरिंग ये की है इसको अगर हम एक इसको हटा देते हैं जंपर को, तो ये वाला जो है शो नहीं होता। अब अगर हम ये करते हैं तो ये डिजिट शो नहीं हो रहा इस टाइम, तो हम देखते हैं कि इसकी कहाँ से जंपरिंग उठाएं कि प्रॉपर इसको सही वोल्ट मिले। तो इसको ज़रा चेक कर लो कि ये वाला डिजिट भी जो है ना वो ओके हो जाए। अच्छा अब जो है ये ट्रांसिस्टर चेंज किया था जी, ये वाला ट्रांसिस्टर चेंज किया, ये वाला भी हुआ ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हाँ जंपरिंग जो की थी पहले वो उतार दो। ये एफ ही लग रहे प्रिंट खत्म हो गया, प्रिंट खत्म हुआ ठीक हो गया। अच्छा आप क्या कहते हैं ऑन करो, अब सारे जो हैं प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं इस टाइम, ये रिपेयर हो गया ठीक हो गया गुड। हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें, उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं।